How are you? I am Nehal sir, your maths faculty. Today we start the new chapter, chapter number 8, quadrilaterals. Okay, part 1. In previous standards, you already know that the quadrilaterals. Okay, also learn about this. In these two chapters, chapter number 8 and 9, you know about the more about the quadrilateral and also the area of the quadrilaterals. Right, and the some theorems. क्योंकि जब आप एट स्टैंडर्ड में तब तो इतना ज्यादा थियोरिटिकल पोर्शन नहीं था, बट 9, 10, 11, 12 के अंदर थियोरी पोर्शन ज्यादा आता है. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? ओके, अ क्लोज फिगर फॉर्मड बाय द फोर इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. राइट, सो अ क्लोज फिगर फॉर्मड बाय द फोर इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. So the figure ABCD is a quadrilateral here. Okay, so how many sides you are there? Four sides, right? Okay, so they are all the closed figure. Just a triangle be a closed figure hai, from the three lines keh sakte ho, ya three line segment keh sakte ho. Right, so it has quadrilateral has a four sides, four angles and four vertex. Right, this is the part of the quadrilaterals. ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसको देख रहे हैं. चलो, तो सबसे पहला जो है वो हम लोग क्या करेंगे, साइड्स. ओके, तो इट हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स. राइट, तो यहाँ पे जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर कितनी साइड्स है बच्चों? फोर साइड्स. राइट, सो हियर फोर साइड्स. ओके, फोर साइड्स यहाँ पे. So which four sides? So simple, AB, okay, BC, okay, CD and AD. There are the four sides. Okay, four angle. Bacho, four angle. Right? So four angle. So angle A, angle B, angle C, okay, and angle D. Right, तो यहां पे आप एंगल ए को एंगल डी ए बी भी कह सकते हो, बी ए डी बी कह सकते हो. ओके, सिमिलरली एंगल बी को आप एंगल ए बी सी कह सकते हो पूरा. ओके, या एंगल सी बी ए बी कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सी, तो एंगल सी भी लिख सकते हो, या एंगल एंगल बी सी डी या डी सी बी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. ओके, उसको आप वर्टेक्स नेम कह सकते हो. क्या कह सकते हो? वर्टेक्स नेम. ओके, तो कितने वर्टेक्स है? ओके, तो वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सो ए बी सी एंड डी, राइट, आर द वर्टेक्स. अब इससे पहले अब जो समझना है वो देखो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट, जैसे साइड, तो फोर साइड्स है, तो फोर साइड्स के अंदर अब आपको देखना है एडजेसेंट साइड. बच्चों, ओके, लेट्स सी एडजेसेंट साइड. तो बच्चों, एडजेसेंट साइड किसको आप कहोगे? तो जिसके अंदर कोई ना कोई एक कॉमन वर्टेक्स मिले उसको आप एडजेसेंट साइड कहते हो. ओके, तो फिगर के अंदर आप देखो ए बी और बी सी साइड, तो उसमें बी कॉमन वर्टेक्स है, तो ए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एडजेसेंट साइड हो गए. ठीक वैसे बी सी और सी डी, तो इसमें सी कॉमन आ रहा है ना, वर्टेक्स सी. सो बी सी एंड सी डी भी क्या है? एडजेसेंट साइड है. ठीक वैसे सी डी एंड ए डी के अंदर देखो डी कॉमन आ रहा है, ठीक वैसे डी ए और ए बी के अंदर ए कॉमन हो रहा है. तो यहाँ पे आपको फोर एडजेसेंट साइड्स पेयर मिल रही है. कितनी? फोर. राइट, तो चेक दिस. ओके, तो क्या आप चेक करोगे यहाँ पे? बहुत सिंपल है. तो देखो, चेक हम लोग करेंगे, तो मेरे पास है वो ए बी, ओके, एंड बी सी, वो एडजेसेंट साइड हो गई. राइट, उसके बाद बी सी, ओके, एंड सी डी, देन सी डी एंड ए डी, ए डी एंड ए बी. ओके, चलो क्लियर, एडजेसेंट साइड आ गई समझ में.
बात ओके। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा चलो ये कर देते हैं, यहां पर ही हम लोग इसको यूज में ले लेते हैं, राइट। एडजेसेंट साइड हमने बना दिया, तो यहां पे हम लोग ऑपोजिट साइड बना रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रूव करोगे तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको काम में आएगी। तो ऑपोजिट, ऑपोजिट में क्या, नो कॉमन वर्टेक्स, ओके। कोई भी साइड के अंदर कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ओके। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे ए बी एंड सी डी विच इज ऑपोजिट साइड, बी सी ओके एंड ए डी आर ऑपोजिट साइड्स, ओके। तो दो पैर मिली, जिस जब तक जबकि यहां पे आपको फोर पैर मिली थी, राइट। चलो ठीक, वैसे एंगल्स देख ही लेते हैं इसके साथ। एडजेसेंट एंगल राइट, एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल ठीक वैसे, तो यहां उसके अंदर कॉमन आर्म्स आएगा, क्या आएगा, कॉमन आर्म्स, राइट बच्चों। यहां पे आपको याद रखना है कॉमन आर्म्स एंगल, जबकि एंगल के अंदर, तो एंगल ए और एंगल बी, तो मैंने बोला था पूरा अगर आप करोगे तो क्या होगा, एंगल ए पूरा ए है और ए पूरा बी, तो देखो ए बी इसके अंदर कॉमन आर्म्स आ रहा है, राइट। तो एडजेसेंट एंगल्स जो है उसमें आप लिख सकते हो, ओके, क्या लिख सकते हो, तो एंगल एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे एंगल बी एंड एंगल सी एडजेसेंट, एंगल सी एंड एंगल डी एडजेसेंट एंगल, ओके, डी एंड एंगल ए, चलो ए आपने बना दिया, ओके, एडजेसेंट का। ठीक वैसे ऑपोजिट एंगल, ओके, चलो ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सो ऑपोजिट एंगल्स के अंदर आपको याद रखना है एंगल ए एंड एंगल सी, राइट, कोई कॉमन आर्म्स नहीं आएगा। यू ऑल्सो चेक एंगल बी एंड राइट एंगल डी आर एडजेसेंट, क्लियर, ओके। तो ये आपने देख लिया बच्चों एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, और तो उसके अंदर डायगोनल्स भी है, क्या है, डायगोनल्स। तो आप किसको डायगोनल कहोगे, एट में पढ़ लिया है, तो जो दो ऑपोजिट जो वर्टेक्स है ना उसको लाइन सेगमेंट से अगर ज्वाइन किया जाए तो उसको डायगोनल्स कहते हैं। तो जितने भी क्या है क्वाड्रिलेटर से उसमें तो डायगोनल्स होते हैं, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लेन प्लेन रीजन है, क्या है, प्लेन, क्योंकि अगर आपका टेक्स्ट बुक नोटबुक का पेज मान लिया जाए और उसके अंदर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हो ना, तो सीधी बात है वो क्या है, ओके, प्लेनर रीजन कह सकते हो, ओके, करस्पॉन्डिंग टू दैट आपकी जो भी फिगर है उसके अंदर, ओके, क्योंकि वो सिंपली क्लोज फिगर है इसके लिए, ओके। कोई मतलब आपका जो नोटबुक का पेज है वो मान लो कि प्लेन है और उसके अंदर आप कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हो ना, तो वो जितने इनक्लोज्ड पोर्शन जो क्लोज करता है उसकी फोर साइड्स, ओके, तो उसको प्लेनर रीजन कहा जाता है, ओके। लेट्स स्टार्ट, जैसे आपने ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट, तो ठीक वैसे यहां पे आपको एंगल इसके अंदर भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स है, ओके। तो चलो देख लेते हैं बच्चों वो भी, तो उसको प्रूव करके भी देख लेते हैं क्योंकि अब नाइन्थ में हो आप, ओके। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, चलो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, बराबर, और हमें 360 भी प्रूव करना है, ओके। तो दैट मींस उसको आप कह सकते हो
द सम ऑफ, जैसे ट्राइंगल में कितने थ्री एंगल्स थे, ठीक वैसे यहां पे द सम ऑफ द सम ऑफ थे कितने एंगल्स होंगे बच्चों यहां पे फोर, ओके क्वाड्रिलेटरल है फोर एंगल्स, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, कितना है बच्चों 360, राइट right? कोई बात नहीं, चलो गिवन ये स्टेटमेंट भी हो गया और हमारे लिए क्या प्रूव करना है वो भी हो गया, राइट right? तो गिवन में हमें क्या दिया है, तो मान लो कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, राइट right? सो मैं यहां पे लिख देता हूं और ड्रॉ भी कर देते हैं हम लोग, सो वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल वी हैव द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ओके एंड एडी इज वन ऑफ डायगोनल इज वन ऑफ इट्स डायगोनल राइट इट्स डायगोनल राइट चलो अब प्रूफ पे जाएंगे, तो प्रूफ से पहले हमें रिक्वायरमेंट है ओके फिगर की, क्योंकि वही हमें बताएगा कि प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है मान लो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ओके, तो चलो मैं यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, कोई भी चलेगा राइट। चलो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया सिंपली और एक एक डायगोनल बना दिया राइट। चलो इसको मैं हम लोग नाम देते ए राइट, फिर बी, फिर सी और फिर डी राइट। अब मैं एंगल्स के लिए यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, वो आपको समझना है। तो फर्स्ट एंगल फोर है बच्चों, एंगल थ्री, एंगल वन और ए एंगल टू राइट। तो ये याद रखना है, हम इसी बेस पे उसको सॉल्व करेंगे राइट। तो चलो सबसे पहले इस डायगोनल की वजह से हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था वो टू ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। तो पहले कोई भी एक ट्राइंगल आप ले सकते हो, सो वी हैव इन अ ट्राइंगल, पहले हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी राइट। तो ये तो ट्राइंगल है, तो वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो ए बी सी के अंदर किसी के नाम है किसी के नहीं है, तो हम लोग उसको उसी के तौर पे लिखेंगे, एंगल वन प्लस एंगल थ्री राइट प्लस बी का कोई मेजर नहीं दिया था, एंगल बी एज इट इज इक्वल टू 180 राइट। इस रिजल्ट को हम लोग क्या कह देते वन, क्या कहते वन, और कैसे आया तो आप कह सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल राइट, एक इंपोर्टेंस है जो हम। अब दूसरा ट्राइंगल एबीसी के बाद कौन है, एडीसी है ओके, तो हम लोग इसको भी इंडिकेट करेंगे इनर ट्राइंगल एडीसी, सिमिलरली सेम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे भी आपको एक तो एंगल टू प्लस एंगल फोर एंड प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आया 180। यहां पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से दिस रिजल्ट इज वन और दिस रिजल्ट इज टू ओके, ए वाला वन और ए टू। तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बच्चों, एडिंग रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू ओके। वन और टू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वन ए रहा हाँ। अब देखो आपने वन और टू को ऐड कर दिया, तो मैं पैर बना रहा हूं एंगल वन प्लस एंगल टू राइट, प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर राइट ओके, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी राइट इज इक्वल टू एक का 180 प्लस दूसरे का 180 राइट। सो 181 प्लस 180 क्या हो गया 360 हो गया।
राइट। अब एंगल वन प्लस एंगल टू, ओके, उसके लिए थोड़ा एरा, तो वन प्लस टू क्या लिख सकते हो, ए पूरा एंगल है और उसको पूरा लिखना है तो डी ए बी लिख सकते हो या बी ए डी लिख सकते हो, ओके। अब दूसरा देखो, एंगल थ्री प्लस फोर, तो सी बन रहा है, क्या बन रहा है, सी, तो उसको बी सी डी लिखेंगे, राइट। तो लेट्स सी, चलो हम लोग यहाँ पे इसी को इंडिकेट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल ए बना, राइट, तो एंगल डी ए बी, राइट, प्लस ए सी बना, सो यहाँ पे एंगल बी सी डी, राइट, प्लस एंगल, सॉरी प्लीज, यहाँ पे एंगल बी एज इट इज प्लस एंगल डी बी एज इट इज इक्वल टू कितना है, 360, राइट। चलो अब ए तो क्या बन गया, एंगल ए बन गया, तो मैं बी बीच में ला रहा हूँ, एंगल बी, ये कौन सा बना, बीच में सी है, सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, राइट, ए डी इज इक्वल टू 360, राइट। तो ए आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, राइट, जैसे ट्राइंगल में आपने किया था वैसे आप किसके अंदर कर रहे हो, क्वाड्रिलेटर के अंदर, राइट। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि आप हर एक स्टैंडर्ड में फिर उसको इनडायरेक्टली यूज करते हो, क्लियर, ओके। सो दिस वन इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, राइट। चलो अब जो टॉपिक है वो हमारा है इंपॉर्टेंस टॉपिक, ओके, जो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग, ओके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ओके, बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि चैप्टर इसी बेस्ड है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है समझना, और नाइन्थ में फिर उसके बाद कहीं समझना नहीं है, फिर डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है, ओके। तो सबसे बड़ी बात यही थी हमारे लिए, तो टाइप्स ऑफ, तो फर्स्ट जो टाइप है वो ट्रैपेजियम, राइट, क्या है, ट्रैपेजियम, ट्रेपेजियम पे आते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या है, तो सीधी बात है, ट्रेपेजियम के अंदर बच्चों एक ही जो पैर होती है ना वो पैरेलल होगी, तो ऐसे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं, राइट। तो मैं उसको फिगर से आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेपेजियम एक्चुअल में क्या है। सो द क्वाड्रिलेटरल having exactly one pair, okay, one pair of parallel sides, of parallel sides is called a trapezium, okay। Figure से समझते हैं, ट्रेपेजियम नॉर्मली ऐसा होता है बच्चों, ओके, ए सो बी सी एंड डी, तो जो ए पैर है ना, हाँ ए बी और वो ही पैरेलल है, ओके, सो नॉन पैरेलल साइड ए डी और सी बी है, ओके, सो दिस काइंड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम, ओके। सो इन गिवन फिगर आप कह सकते हो, इन द गिवन फिगर
क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम। इज अ ट्रापेजियम इफ इंपोर्टेंस पॉइंट। तो आपने देखा कि ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी, एक पैर है वो आपको क्या मिल रहा है, पैरेलल। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज द इन विच आप कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसलिए ए ट्रापेजियम है। चलो क्लियर। तो ट्रापेजियम का एक दूसरा फॉर्म है, बहुत सिंपल, उसको आप आइसोसेल ट्रापेजियम कह सकते हो। ओके, तो हर एक बुक के अंदर वो चीज मेंशन नहीं है। ओके, तो वो जो चीज मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे वो मेंशन करके वो पढ़ सकते हो, राइट। तो ऑल्सो द इट इज कॉल्ड द आइसोसेल ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम वाला पोर्शन है वो तो वो ही आएगा, अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो देख लेते। आइसोसेल ट्रापेजियम बच्चों, राइट। चलो तो इसी के अंदर हम लोग वापिस चलते हैं। आइसोसेल ट्रापेजियम बच्चों, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ही, तो ट्रापेजियम मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि ट्रापेजियम ट्रापेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेल्स ट्रापेजियम। क्या फर्क है? तो यहां पे जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो इक्वल है, बस इतना ही फर्क है। ओके, कौन सी? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रापेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल। ओके, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, बस इतना फर्क है, अंडरस्टैंड। ओके, तो इतना याद रखना है। तो देखो, अगर फिगर से आप समझना चाहते हो ना तो वो भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि ट्रापेजियम है। राइट, तो क्या हमें मिलेगा? तो कि ए बी सी डी, राइट, ए बी पैरेलल, दिस वन इज ऑल्सो, बट ए इक्वल है, कौन? बी सी और ए डी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है। ओके, समझ में आ गया? तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ इक्वल से, आपको पता चले। ओके, तो ये दोनों इक्वल है, बाकी दो साइड तो पैरेलल है, इतना आपको याद रखना है, राइट। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे इन द गिवन फिगर इन दी गिवन फिगर हमें क्या मिल रहा है? सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज एन आइसोसेल्स ट्रापेजियम, राइट, ट्रापेजियम। सो इन विच क्या आएगा? ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी, ये तो ट्रापेजियम है इसीलिए कॉमन है, राइट। एंड क्या आना चाहिए? नॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी, बस ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, क्लियर। सो इट इज कॉल्ड द आइसोसेल ट्रापेजियम। ओके, क्लियर। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आइसोसिलेट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइसोसिलेट अगर ये समझ में आ गया, ओके, तो हमारा काम और आसान हो गया है। अब चलो,
जो दूसरा टाइप है वो पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम, राइट। तो चलो देख लेते हैं पैरेललोग्राम। राइट, चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम तो ये भी सिंपल है, पैरेललो बोला है, राइट। तो सीधे दो जितने भी जो पैर है ना, ऑपोजिट पैर, वो यहाँ पे पैरेलल होगी इन शॉर्ट में, राइट। सो क्वाड्रिलेटरल, राइट, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम ओके इफ इट्स बोथ, इफ इट्स बोथ पैर ऑफ ऑपोजिट साइड्स opposite sides are parallel. चलो clear, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? parallelogram। but इसको आपको थोड़ा यहाँ पे किससे समझना पड़ेगा? by figure, okay। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बना के आपको explain कर रहा हूँ, okay। चलो आप देख लो यहाँ पर, तो सबसे बड़ा ओके इसको मैं ऐसे सिंपली बनाता हूँ। ए बी एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल ही है, राइट। चलो ए आपका बन गया बच्चों, मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये हमारा ए बी सी है डी, राइट। तो ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल, ओके ऑपोजिट साइड्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इन, ओके इन द गिवन फिगर, ओके बच्चों, इन द ओके इन द गिवन फिगर, यहां पे कौन है? पैरेललोग्राम है। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट के ए बी सी डी ओके इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम ओके इफ, कैसे? तो आप कह सकते हो कि ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी, राइट, सी एंड डी, ओके सॉरी, ओके सी एंड डी, एंड कौन होगा बच्चों? दूसरी पैर बी सी विच इज पैरेलल टू ए डी, राइट। तो हमें मिल गया, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज द पैरेललोग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यू है हमारे लिए, राइट। तो वो पोर्शंस, इट इज द रोम्बस, सो इट इज द रोम्बस, राइट। सो अनदर टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो रोम्बस बहुत सिंपल है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बट वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, ओके okay? तो देखो वर्ड्स बहुत इज है और वो आप पकड़ लेना, क्योंकि आपके वन मार्क्स क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अब यहां पे लिख सकते हो अ पैरेललोग्राम, हैविंग all sides equal, all sides equal is called a rhombus, is called rhombus। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके फॉर दिस
पर्पस। तो जैसे कि मैं ये बना देता हूँ, प्योरली रोमबस है, पैरेललोग्राम तो होगा ही, तो समझ में आ गया आपको कि पैरेललोग्राम तो है ही रोमबस। बस एक मिनट बच्चों, ये क्या बन गया रोम्बस। ओके नाम दे देते थे ए बी सी एंड डी। अब रोम्बस से तो क्या होगा, पैरेललोग्राम तो है, तो आप कह सकते हो कि इन दी इन दी गिवन फिगर, ओके ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ओके रोम्बस इफ ए तो कॉमन रहेगा, ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी क्योंकि पैरेललोग्राम है, एंड बी सी विच इज पैरेलल टू ए डी, ओके एंड ऑल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो फोर्थ साइड भी क्या हो गए बच्चों इक्वल, राइट। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द अनदर पैरेलल टाइप्स। ओके नाउ अब रेक्टेंगल, रोम्बस के बाद क्या आता है रेक्टेंगल। ओके तो चलो वो भी देख लेते हैं, रेक्टेंगल ओके रेक्टेंगल नाउ। सो अब रेक्टेंगल इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो क्या है एक तो पैरेललोग्राम होना चाहिए और ईच एंगल्स आर राइट एंगल्स, ओके तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा एंड दो साइड से वो पैरेलल मिलेगी आपको क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही, ओके तो साइड्स आर आल्सो पैरेलल, ओके तो रेक्टेंगल के अंदर तो अब पैरेललोग्राम व्हूज ईच एंगल ओके ईच एंगल इज अ राइट एंगल, इज राइट एंगल राइट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ओके बच्चों इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, इस कॉल द रेक्टेंगल। बस तो सीधी बात हो गई आपके लिए, तो क्लियर हो गया मैसेज। ओके क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पे रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम तो है ही। ओके तो चलो फिगर से थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। ओके हो गया, अब मैं इसको नाम दे ए बी सी और डी, ए पैरेलल है बट ऑल एंगल्स ईच एंगल्स आर राइट एंगल्स, तो ये हमारा राइट एंगल्स का सिंबल है। ओके एंगल और बाकी जो पैरेललोग्राम में तो है ही जो था, तो क्या था तो इन द गिवन फिगर तुम कह सकते कि ए बी सी डी ओके इज अ रेक्टेंगल, इफ क्या है? तो आप कह सकते हो ए बी पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू सी डी
Okay, BC parallel to AD and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree, right? So simple, it is called the rectangle. Okay, चलो सेकंड लास्ट जो है बच्चों वो है स्क्वायर. क्या है? स्क्वायर. ओके, सो दिस वन इज अ स्क्वायर. तो स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. ओके, तो हमारे लिए क्या बन गया? स्क्वायर. अंडरस्टैंड? तो ऐसा पैरेललोग्राम. सो अब पैरेललोग्राम having all sides equal and each angle equal to right angle, so it is called the square. समझ में आ गया? Okay, so is called a square. स्क्वायर है, राइट? तो जैसे आपने रोम्बस में किया था तो रोम्बस में साइड इक्वल थी, यहाँ पे तो साइड इक्वल है और साथ में ओके हमारे लिए यहाँ पर ऑल एंगल्स राइट एंगल भी है. ओके, ए बी सी डी, ए बी राइट एंगल, ए बी राइट एंगल, ए बी राइट एंगल और ऑल साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे आपने बताया कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इफ क्या है? पैरेललोग्राम तो है ही. ओके, सो ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड all angles are right angle equal to. So A, B, angle C, angle D is equal to 90 degree. तो A ultimately बच्चों क्या हो गया? Square हो गया. चलो clear? Understand? अब आगे बढ़ते हैं. The last type of the quadrilateral is called the kite. Okay, आपने देखा है. Okay, kite में भी rocket type जो है kite जो मकर संक्रांति में करते हो, यूज करते हो, तो काइट. काइट तो यहां पे जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो इक्वल होगी. ओके, एंड ऑपोजिट साइड्स जो है ओके वो अनइक्वल होगी, राइट? बस इतना ही फर्क है. सो क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज
if it has two pair. It has two pair of equal adjacent side, right? एक ए हो गया एंड अनइक्वल ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स राइट। चलो बना देते तो इसको फिगर फॉर्म के अंदर A, right? B, C and D. A दोनों equal है और A दोनों equal है, right? So this kind of the quadrilateral. देखो parallelogram नहीं है, इतना याद रखना, okay? So in the given figure, right? क्या है यहाँ पे? तो आप कह सकते हो कि A, B, C, D is a kite. This quadrilateral is a kite, right? If क्या है यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, राइट। ये तो बहुत क्लियर है, बट ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट है ना, एंड ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, सो दिस काइंड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द काइट्स, ओके। अब इसके ऊपर से आपको बहुत एक नोट्स डाउन करना है, ओके, जो ओके हेल्प करेगा वन मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर, ओके। चलो फर्स्ट वाला जो है वो स्क्वायर, एक तो रेक्टेंगल एंड रोम्बस, रोम्बस आर पैरेललोग्राम, राइट। नाउ द सेकंड वन, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम बट अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ओके। तो टू और फॉल्स या वन मार्क्स में इज नॉट अ पैरेललोग्राम, थर्ड पॉइंट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस, अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट सॉरी स्क्वायर, ओके। पहले तो दोनों कह सकते हो बट ओके। और एक लास्ट अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप डेफिनेशन करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, अंडरस्टैंड, ओके। तो हम लोग
अब नेक्स्ट लेक्चर का था प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बाय थियरम्स पढ़ेंगे, उसको हर एक को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम नॉनस्टॉप आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल, सम पॉइंट्स आर मिसिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंटिल द एंड, बाय बाय।